Hello everyone. हाय यूवी, गुड इवनिंग. कितने लोग लाइव हैं? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. चैट चल रही है बहुत बढ़िया से. शेयर मारो यार वीडियो को, तुरंत सबको बुलाओ. आपके अपने चैनल मास्टर की में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का. बुला लो भाई, सब लोगों को बुला लो, छोटे सबको बुला लो. शुरू करते हैं फिर मस्त. जहाँ जहाँ आपके दोस्त लोग बैठे हुए हैं मस्त, वहाँ वहाँ सेशन को शेयर मारो, सबको बुलाओ लाइन से ना. फिर शुरू करते हैं, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ आप लोगों को. सबको बुलाओ, बिंदास बुलाओ, फिर हम लोग शुरू करेंगे. ठीक है यार? ओके, आवाज वगैरह क्लियर है? बोलो, वॉइस वगैरह क्लियर है ना? कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है सुनने में? नानी तो चाहिए नहीं वैसे, आपके कान अच्छे हैं और हमारे आवाज नहीं सुरीली. तो चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी से आ जाओ, शुरू करें फिर. शैल वी रियली स्टार्ट? है ना, जल्दी से बता दो शुरू करना है या नहीं. मैसेज लिख के भेजो कि शुरू करते हैं करके. फिर गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग पिंकी. क्लास में रेगुलर आ रहे हैं आप? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? चलो ठीक है, अब जितने लोग आ गए आ गए, अब जितने लोग नहीं आए उनका नुकसान क्या, सही ना? चलिए तो आइए भाई बिंदास शुरू करते हैं, है ना. देखते हैं, सारी चीजों को समझते हैं और बिजली को मन में दौड़ाते हुए आज की क्लास का करते हैं शुभारंभ. तो बच्चों, हम लोग उस पॉइंट तक आ चुके जहां पे हमने, क्या बात है, यू आर रेडी, आई एम वेरी हैप्पी, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ली थी. क्यों भाई, बोलो ना, पोटेंशियल डिफरेंस की बात की ना हमने, डेल्टा वी की बात की ना. देखो यार क्या होगा कि आप, एक तो ये होगा कि आप सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूं, उसमें मजा नहीं है. आप भी पूछ रहे हो, बोल रहे हो, मजा और आनंद तो उसमें है. क्यों जी? अरे जब जगराता होता है तो सभी गाते हैं तभी ना मजा आता है. हैं? गलत बोल रहे हैं भाइयों बहनों, जल्दी बता दो. ठीक, तो आओ एकदम मस्त जवाब देते चलना, जो जो पढ़ा है वो बताते चलना, और अपन इसको एकदम देखना, एकदम मस्त तरीके से देखे चलेंगे. ठीक, चलो. सो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अपन ने बात कर ली थी कि भैया डेल्टा वी जो होता है वो होता है डब्ल्यू बटे क्यू, बात खत्म, है ना. जैसे कि एक क्वेश्चन दे दें, क्वेश्चन करें आप, एक्चुअली क्या होता है, जितना नंबर से खेलोगे ना, अब मैथ्स वाले सर आपके क्या बताते हैं, देखो मैथ्स कितना प्यारा है, मैथ्स से जितना खेलोगे, नंबर से जितना खेलोगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा. तो वैसे ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. तो भाई मेरे क्या कहता है क्वेश्चन, देखो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर. टू पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, है ना, कैरिंग ए चार्ज ऑफ 50 कूलम वाइल कंज्यूमिंग 10 किलो जूल या 10 जूल ऑफ वर्क. क्या मेरे बंधु ये सवाल का जवाब दोगे?
हाँ एकदम, अरे क्या बात है, मतलब इतना कष्ट लेके अगर यूवी ने आंसर दिया है तो इसका मतलब है कि सही होगा। और तो और ये भी तो है कि कॉपी साथ में रखी हुई है लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जोक्स अपार्ट। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए यार, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग ए चार्ज ऑफ 50 कूलम वाइल कंज्यूमिंग 10 जूल ऑफ वर्क। आंसर दे दो तुरंत प्रभाव से, फॉर्मूला एकदम सामने है, मस्त इसमें चिपकाओ, बिना कैलकुलेटर के आंसर पाओ। क्या मस्त ऑफर लेके हैं आपके लिए, बिना कैलकुलेटर के आंसर पाओ, जल्दी से इस फॉर्मूले में चिपकाओ, बिना कैलकुलेटर के तुरंत प्रभाव से आंसर पाओ, और पसंद आए तो लाइक करते जाओ। क्या राइमिंग बिठा दी, वाह सर वाह। चलो बताओ आंसर बताओ जी। हो गया जी, हाँ जी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा लाइक करो, शेयर भी करो। आंसर आया, आंसर आया नहीं, करा दूं, चलो मैं करा देता हूं। अरे छा गए लाला, हम छा गए, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि घर पे पढ़ाई हो रही है, और घर पे जब पढ़ाई हो रही है तो इसका मतलब है कि मोगेम्बो खुश हुआ। 1/5 बेटे, 1/5 कितना होता है, 0.2 वोल्ट्स। बहुत बढ़िया, चलिए आइए हम और आप मिलके खेलते हैं, कौन बनेगा आंसर पति, क्योंकि पैसे तो मिल नहीं रहे। अब देखो यहां पे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला, मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला कौन, मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, बच्चों इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने वाला डिवाइस कौन कौन है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं उसे। नाम याद करने का तरीका बताया था बंधु, तुरंत आंसर दीजिए, आंसर मी फास्ट, FAST फास्ट, बताओ बताओ बताओ। एम मीटर, अरे गुरु छा गए, मतलब छा गए, बौछार आपकी तरफ, हमारी तरफ से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों ये बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाले को क्या कहेंगे, सो मेजर्स द, पिंकी कुमारी जी बिल्कुल सही हैं आप, परंतु थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है, चेक कर लीजिए बोर्ड पे, मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्यारे प्यारे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। एम आई राइट, ऑफ कोर्स आई एम राइट, है ना, क्या कहेंगे इसे, वोल्ट मीटर। इनकी यूनिट के पीछे इनका नाम छिपा है भाई, एक गैल्वेनोमीटर भी होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, क्या बच्चा लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ेंगे, बिल्कुल सही। प्रभाकर सिंह जी वोल्ट मीटर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, बाकी सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी। मित्रों आइए हम, आप और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जनाब, महोदय ये करने के बाद में आपको जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अरे दिल की बौछार करते जा रहे, क्या बात है क्या बात है, बनाते जाइएगा, अपने को तो आप काला दिल भेजोगे वो भी चलेगा, दिल में काला नहीं होना चाहिए, काला दिल चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, दिल में काला नहीं होना चाहिए। आइए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स की चचा, इलेक्ट्रिक सर्किट्स होता क्या है। अरे सॉरी की जरूरत थोड़ी है, ये तो हम सीख रहे हैं, और सीखने में कोई सॉरी और थैंक यू थोड़ी होता है जी, सीखने में कोई सॉरी नहीं, कोई थैंक यू नहीं। चलिए आइए इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करते हैं, यार सर्किट है क्या। देखो हमारे घर में, ये जो हमारा घर है छोटा सा प्यारा सा,
तो इस हमारे घर में ये पंखा है, ये हमारा घर है, ये हमारा पंखा है और ये हमारी पारी हो रही है, नहीं? सो ये हमारा पंखा, ये हमारी लाइटें जल रही हैं, ये इधर ये बोर्ड बोर्ड वार्ड दे रखे हैं, ये सब सब कुछ दिया हुआ है भाई। तो जब ये सब कुछ दिया हुआ है तो फिर अगर मुझे इसे पेपर पे पढ़ना है तो क्या मैं इसको पेपर पे, आज तो मजा आ रहा है, अरे क्या बात है, पारी हो रही है ना। चलिए, सो हो क्या रहा है कि इसको अगर मुझे पेपर पे पढ़ना है तो पेपर पे पढ़ने के लिए क्या मैं इसका फोटो फाटो लेके रखूंगा या तार इसको बिछाऊंगा? नहीं बिछा सकता, नहीं कर सकता। अरे कर सकता हूं क्या भाई? हरगिज नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। तो फिर क्या करूं, सर्क्यूट बना देता हूं, है ना, सर्क्यूट बना देता हूं। मैं सर्क्यूट बोलता हूं, सर्किट होता है ये सर्किट वाला, ये सर्किट, तो ये सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, देखो यार सुनो, इलेक्ट्रिक सर्किट देखो सुनो, जैसे ये मैंने यहां पे स्विच किया ऑन, स्विच किया ऑन, लाइट गई ऑन, लाइट हो गई ऑन, या फिर ये हमने ये स्विच ऑन किया, तो स्विच जब हम लोग ऑन करते हैं ना भाई, तो स्विच ऑन करने पे होता क्या है कि आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चला तो उससे पहले क्या है, ओपन रहता है ना, जैसे ओपन रहता है, ये मान लो हमने सप्लाई दिखा दी, ठीक है, ये इस तरीके से हमने कुछ सप्लाई वगैरह दिखा दी, है ना, ये अभी मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा कि ये बल्ब वगैरह होता है, ऐसे दिखाता है, नहीं अब ऐसे इधर होना चाहिए, तो इसको मान लो हमने ऑन कर दिया, तो फिर करंट, तो क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस लूप होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ, डेफिनेशन में आप यह हरगिज इंक्लूड करेंगे कि इट इज ए कॉन्टिन्यूस, है ना, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार लगातार चलने वाला, ए कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग पाथ, ठीक है, हैविंग वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस लाइक लोड स्विच, है ना, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, जो भी आप बोलना चाहो, एटसेट्रा, टीवी, फीवी, सब कुछ, ठीक है, स्विच and between the two ends of a cell or a battery in which electric current flows। थोड़ा सा बड़ी हो गई, अभी देखो समझ जाओगे, बहुत सिंपल है यार। एक बात बताओ, थोड़ा सा बताना, है ना, अगर आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी के बीच में से पढ़ाने लग जाता, समझ में आता भाई, गाली देके भगाते आप, समझ में कुछ आवत ना है, हमको चले हैं पढ़ाने, नहीं यही बोलते आप, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्क्यूट करंट बोलेगा कि हमको पागल बना रहे हो बे, समझे क्या हो, मतलब क्या समझ रखे हो आप, हमको पागल बनाने चले। इलेक्ट्रिक करंट यही बोलेगा आपको कि अबे कम से कम पाथ तो कंटिन्यूअस कर लो, और करंट चलता किस में है, करंट को अलाउ कौन करता है, बाकी तो उसके लिए लाल झंडा लगा रखा है, अलाउ कौन करता है, कंडक्टर, तो एक कंडक्टिंग वायर हो, उस कंडक्टिंग वायर में एक लोड हो या एक से ज्यादा लोड हो, एक स्विच हो ताकि बंद और उसको चालू कर सके, है ना, और बस उसमें एक सोर्स जोड़ दिया जाए, तुरंत प्रभाव से हमारे पास में इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा। बस सार ये है कथा का कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो उसके लिए ही सारे काम हम कर रहे हैं। ये बात यहां तक समझ में आई या नहीं, ये बताइए। बोलो भाई, हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, है ना,
चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा लाइक थोड़ा शेयर मार दो। चलो इसी बात पे जय माता दी, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहां पे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे चचा, कंपोनेंट्स फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट या इन एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट या ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट। ये देखो, सो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो बच्चों अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें ना, तो कंपोनेंट्स में मैं सिंबल के साथ में दिखाएगा, क्या बोला मैं सिंबल के साथ में आपको दिखाएगा कंपोनेंट्स। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा बच्चे समझ आएगा तो मजा है, दूसरे की लाइन नहीं चुराने का, ऐसा नहीं बाबा, तुरंत कॉपीराइट लगेगा। आ, 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 आ। दूसरे की लाइन नहीं चुराने का, यहां पे अपनी लाइन बनाने का, समझे। चलो देखो यहां देखो, यार पूरे मूड में हो गए तुम आज। देखो यहां पे सेल, सेल का क्या मतलब हुआ यार बच्चे, सेल मतलब एक सिंगल सेल सबसे छोटा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे छोटा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे A4 साइज का वो सेल आता है ना, जो आप लोग बैटरी 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 बोलते हो छोटी, अरे रिमोटवा में बैटरिया खत्म हो गई तब लगाई बा, अरे बोलते हो ना, यस और नो, है कि नहीं, रिमोट में बैटरी खत्म हो गई लगा दीजिए, वो सेल है, अरे वो सबसे छोटा है ना, वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का। क्या जी बुझाया है? चलो इसको ऐसे दिखाते हैं, बड़ी वाली को प्लस बोल दो, छोटी वाली को माइनस बोल दो। अबे याद करने का तरीका, ये जो छोटी वाली है इसको ऐसा लिटा दो, इसको थप्पड़ मारो ऐसा ऐसी लेट जाएगी, या ऐसी है इसको ऐसी मारो ऐसी लेट जाएगी, ऐसी है ऐसी लेट जाएगी माइनस, तो ये ऐसी वाली छोटी वाली ऐसी माइनस है। और बड़ी वाली कौन है, जब छोटी वाली माइनस तो बड़ी वाली उल्टी क्या हो गई भैया, प्लस हो गई, है ना, डिवाइड थोड़ी हो जाएगी, अबे माइनस का उल्टा डिवाइड थोड़ी होता है कि नहीं। बैटरी अब क्या है, बहुत सारी सेलों को पकड़ो और आपस में जोड़ दो, क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी बंधु। अभी भी ये है जोड़, ये है घटाव, प्लस और माइनस, समझ में आई बात। पेंसिल बैटरी पता नहीं क्या क्या बोलते हो आप, सही है ना, सिंबल यार इंपॉर्टेंट है। नंबर तीन कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर मतलब क्या, जोड़ने वाला तार जो एक से दूसरे को जोड़ेगा, कनेक्टिंग वायर। वो तो ऐसे ही लाइन सेगमेंट की तरह ही दिखेगा, अब तार तो ऐसे ही दिखता है भाई, तार में तार है, ताजमहल थोड़ी है, तार तो ऐसा ही दिखेगा, क्यों गलत बोल रहे हैं, नहीं सर बिल्कुल सही है, सो ये ऐसा दिखाई देगा, लॉजिक क्लियर है। अजी सब बताएंगे यूवी सिंह जी, आप में क्या थोड़े बेचैन लग रहे हो आज मुझे, मतलब क्या बात है, थोड़े से परेशान लग रहे हैं, कोई 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 दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, चलो अच्छा। देखो अगर मैं वायर जॉइंट बताऊं, जॉइंट मतलब आके जुड़ गया है, तो ठीक है ये वायर ऐसा ऐसा जा रहा था, इसमें आके एक वायर कोई जुड़ गया, जॉइंट मतलब जुड़ गया, लो हो गया, जुड़ गया वायर, जॉइंट हो गया, सही बात है, सही बात है नहीं, है ना। नंबर 5, वायर क्रॉस करें बिना जॉइंट के, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। अभी देखो इसको मैं समझाता हूं थोड़ा सा, आपको आपको समझना पड़ेगा। ये एक वायर है, मान लो माइक वाला ही उठा लिया, थोड़ा सा गड़बड़ है मामला, लेकिन आप समझ जाना, ये वायर है और ये यहां से पास कर रहा है मान लो ऐसे बिना जॉइंट के, तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा इसके ऊपर से जाएगा ना भाई मेरे, ये इसके ऊपर से ही तो जाएगा, सोचो इसके ऊपर से ही तो जाएगा, इसके अंदर से थोड़ी चला जाएगा बिना जॉइंट के, तो है ना। इसमें कैसे दिखाएंगे हम लोग, ये वायर है, क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट,
क्या बोल रही पब्लिक, समझ में आ रहा है? नंबर सिक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब बच्चों इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करो, ऐसा दिखाई देगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कुछ ऐसा दिखाई देगा? हां जी जनाब, ऐसा ही दिखाई देगा, है ना। अब देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस, बच्चे वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं। कुछ नहीं, रेजिस्टेंस बनाओ, इसके ऊपर पॉइंटर डाल दो। क्यों? क्योंकि ये वेरी कर सकता है, इसको चाहो यहां से यहां तक शिफ्ट कर सकते हो। पॉइंटर होता है एक्चुअली रियोस्टेट का डायरेक्ट, मतलब कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है। तो ये बन गया। अरे बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, चुप्पी तोड़ो। सही है, अच्छे दिन आने वाले हैं। नहीं, अब देखो वोल्ट मीटर बनाना है, अब अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो बहुत सिंपल है, गोला बना के वी लिखो, उसमें वायर जोड़ दो, एक साइड प्लस एक साइड माइनस होगा, बात खत्म, खेल खत्म। सही है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। उल्टा भी हो सकता है बाय द वे, है ना, उल्टा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, फैन में यूज होता है, हाँ सब पता है आपको, वेरी गुड। अब देखिए यहां चले एम मीटर को। भाई सबसे पहले एम मीटर काम किस में आता था? करंट मेजरिंग में, है ना। और एम मीटर को दिखाएंगे कैसे? वैसे ही जैसे उसको वोल्ट मीटर को दिखाया था, प्लस एम। समझ में आया क्या? फिर गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें कुछ नहीं दिखाते ऐसा, वो मैं कल जो मैं पढ़ाऊंगा ना, कल नहीं परसों, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, उसमें बताऊंगा। स्विच, इलेक्ट्रिकल स्विच, ये ओपन वाला दिखा रहा हूं, मतलब जिसमें अभी बटन नहीं दबाया हमने, ओपन है, ठीक है, ओपन है, ओपन है ना ये, या फिर इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ये रहा। सही है, ओपन स्विच है, क्लोज वाले में यही दब जाएगा नीचे, क्लोज्ड स्विच, ठीक है, क्लोज स्विच को देखोगे तो ये हो गया, या फिर ये। इज द लॉजिक क्लियर? इज द लॉजिक क्लियर? बताओ भाई। नेक्स्ट लास्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जैसा मैंने बताया डिट्टो वैसे, सही है, या फिर इसका दूसरा सिंबल कुछ ऐसा है, राइट। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की तकलीफ है तो बताइए। नहीं, श्योर, बोलो भाई, अगर नहीं है तो फिर ओम्स लॉ पे चलते हैं। इफ देयर इज नो डाउट देन वी विल गो विद ओम्स लॉ। ओम का नियम, ओम्स लॉ, कोई स्टेट कर सकता है क्या ओम्स लॉ को? ओम्स लॉ को स्टेट किया जा सकता है क्या? चलो बहुत बढ़िया है, ओम्स लॉ को कोई भी डिफाइन कर सकता है क्या यहां पे? बोलो, डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ तो डिफाइन करो ना। यस बोल रहे हो,
मैंने ये थोड़ी पूछा है कर सकते हो क्या, मैं पूछा कि करो, मैं बोल रहा हूं बोले करे करो बोले, ऐसा करके बोला, डिफाइन करो एनीवन। V is equal to IR. V directly proportional to IR. अच्छा क्या बात है, और कोई, और कोई? पहली चीज प्रोपोर्शनलिटी I का V के साथ में है, ना कि V का I के साथ में है। और इसको दूसरी चीज कंडीशंस डिफाइन करना जरूरी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि आप समझें है ना, तो इसमें यह कहता है कि एट एट कॉन्स्टेंट कंडीशंस, ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो हमने मेंटेन कर रखा है, कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड करंट देन द करंट, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब एक मिनट, अलार्म बजने लग गया मेरा, आज मैंने बड़ा बड़ा दिखे उसके लिए मैंने टैब लगा के रखा बोले, अरे छोटा छोटा आपका कमेंट दिखता है मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है यार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इतना छोटा तो नहीं लिखते, नहीं। चलो शुरू करें भाई लोग, रिलेशन बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस। देखो एक्चुअली क्या है कि ये ना एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो मैथमेटिकल बोल रहे हो, समझ रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो मैथमेटिकल बोल रहे हो, इस बात को समझो, व्हाटएवर यू आर सेइंग इट इज मैथमेटिकल, हाईली मैथमेटिकल, ठीक है। अभी अपने को इसमें क्या देखना है, इसका स्टेटमेंट क्या था, क्योंकि एग्जाम में इसका स्टेटमेंट पूछेगा, सही है। तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर जियोमेट्री सब कुछ then the current flowing through या current flowing in a conductor is directly proportional, in a conductor is directly proportional to the potential difference PD, pen drive मत समझ लेना, potential difference applied across its ends, ठीक है ना, applied across its ends मतलब उसके ends पे जो भी potential difference लगा है उसके proportional है, यानी कि I is proportional to V, ये कहना का मतलब, क्या बोलने का मतलब है, I is proportional to V, और अगर हम लोग बोल रहे हैं I is proportional to V है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हम लोग लिख देते हैं V बराबर IR, R क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको फील करवाता हूं मैं, देखना बहुत मजा आएगा, ठीक है, इसको मैं जरा आप लोगों को फील करवाता हूं, महसूस, फील मंजे क्या है, मतलब क्या, महसूस, महसूस ऐसा कि मतलब एकदम रग रग में ये समा जाए, देखना, रग रग में इस तरह ओम समाने लगा, देखते ही देखते V इक्वल टू IR आने लगा, हैं? देखो I बराबर V बाय R, तो मेरे लाल ये है इफेक्ट, इफेक्ट मतलब क्या, ये होता है, बह रहा है, बह रहा है कंडक्टर की रगों में वो खून नहीं करंट है, और वो करंट और कुछ नहीं पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट है। वाह 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 वाह,
ये क्या है बेटे? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है मेरे लाल बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस। छोटू पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बता चुके हैं आपको, और ये है काउज। काउज मतलब कारण, इसकी वजह से। तो जो भी करंट का फ्लो होगा, यानी कि जो भी इफेक्ट मिलेगा, वो किसकी वजह से मिलेगा? आर की वजह से, सॉरी वी की वजह से। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, अगर आप बैटरी हटा दोगे तो अप्लायंस काम करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आई सबको अच्छे से? यार देखो एकदम मतलब शेर व शायरी चल रही है, उस माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। स्वाद आ रहा हो छोटे तो एकदम मस्त बताते जाना, मजा आ रहा हो तो बताते जाना। अब आपको नहीं बोलेंगे शेयर की, पसंद आएगा खुद करोगे। नहीं, हमने अपना अंदाज ही बदल दिया। ये समझ में आया या नहीं ये बताइए। चलिए तो जनाब, ये इफेक्ट है, ये कॉज है, यानी ये इनपुट दे रहे हैं तो ये आउटपुट मिल रहा है। तो भैया आर क्या है? आर है डिस्ट्रैक्शन। आपका फोन, देखो मैं अभी समझाता हूं जीवन में कैसे आप इसको उतार सकते हो अपने, ये बताता हूं। 1.1, हाँ सही बात है। देखो सुनो 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 क्या हो रहा है, आप मेरी बात गौर से सुनो। कॉज, इस कारण से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है आई। अगर आर ज्यादा हुआ, रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, तो आई कम हो जाएगा ना, आई कम हो जाएगा ना। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपके पीछे कॉज है यहां बैठने का, आपको पढ़ने के पीछे कारण है। हो सकता है आप माता पिता के सपने पूरा करना चाहते हो, हो सकता है आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो सकता है कुछ कस्मे वादे निभा रहे हो। कुछ लोग समझते हो ना कस्मे वादे, फ्रेंडशिप बैंड वाले, वो वाले। सो कुछ लोग हो सकता है उस वजह से पढ़ो। तो कारण सबका कुछ ना कुछ होगा, कॉज कुछ ना कुछ होगा। सबकी लाइफ में पोटेंशियल, ड्राइविंग पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कारण है जिसकी वजह से वो बैठ के पढ़ रहा है। इफेक्ट क्या है? करंट। इफेक्ट क्या है? आपका रिजल्ट। नहीं, रिजल्ट उतना ही ज्यादा आएगा जितना कम आप फोन चलाओगे, जितने कम आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। वो आजकल एक नया चला ना पबजी है ना, तो ये सब। तो जितना कम ये होगा उतना ज्यादा आपको ये इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि इनपुट तो मोर और लेस उतना ही है। होता है ना, पढ़ते हो 75 किलो, याद रहता है 7.5 किलो, लिखते हो 750 ग्राम, और आंसर रिजल्ट आता है 7 ग्राम। यही होता है ना, है ना। तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस को अपने जीवन से हटाओ, हम ये कहना चाहते हैं। और ये हम नहीं, ओम्स लल्ला बोल के गए हैं। अब ओम्स लल्ला की बात तो आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि ये तो नियम बना गए। लॉ, लॉ बने क्या, नियम। नियम बना गए भैया, नियम का पालन तो करना पड़ेगा, वरना चालान कटेगा, और चालान यहां नहीं एग्जाम में कटेगा। और चालान जो कटा फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया क्या? यानी कि कहने का मतलब ये है कि I इज इक्वल टू वी बाय आर। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ है। मजा आया भाई, ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा आपने ओम्स लॉ को, नहीं इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, जहां पे आर क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यानी ये ना ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, रुकावट दे रहा है ये। 70 kg वाला, अरे मैंने बोला कि आप पढ़ते हो 70 किलो, नहीं याद रहता आपको 7 किलो, लिखते हो 700 ग्राम और रिजल्ट आता है 7 ग्राम। होता है ना ऐसा? अपने जीवन से व्हाट्सएप,
इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, नहीं नहीं यूट्यूब मत करना, यूट्यूब मत करना, यूट्यूब निकालोगे तो हम निकल जाएंगे, और हमें क्या निकालोगे, हम तो आपके दिल में बसते हैं, है ना छोटे। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जितना कम होगा किसी भी कंडक्टर में, उतना ज्यादा करंट जाएगा। ये वैसे ही है कि जितना ज्यादा आपके लाइफ, जितने कम आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा, है कि नहीं? मजा आया, समझ में आया अच्छे से? बताइए जनाब सब लोग, बोलो 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 बोलो। पानी पीने, थोड़ा सा मुंह सूख गया। अब यहां से हमने सीखा क्या, यहां से हमारे सीखने वाली बात क्या थी बेटे? यहां से जो सीखने वाली बात थी वो ये थी कि I equals to V by R, ये हमने कर लिया है ना। देखो भाई, ओम, देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलता है, ये हम हैं, ए हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है, और ए हमारी पारी हो रही है, समझ गए? क्यों? क्योंकि I is directly proportional to R. तो directly proportional मतलब अगर V बढ़ेगा, अगर V, directly proportional to V, समझ गए? Directly proportional to V. तो अगर V बढ़ेगा तो I भी तो बढ़ेगा, तो I is directly proportional to V. यही तो पावरी हो रही है, तभी तो पावरी हो रही है, हैं? दूसरा देखो, इसने बोला ए मैं हूं, ए मेरे एग्जाम्स हैं, तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ए हमारी सुताई हो रही है, अब इस बार पारी नहीं, इस बार पावरी नहीं हो रही, इस बार सुताई हो रही है। अब सुताई कैसे हो रही है? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टू आर। यदि आर बढ़ा तो आई घटेगा, तब पावरी नहीं होगी, तब सुताई होगी, सुताई मतलब ढंग से लठ बजेंगे नहीं, है ना, बेमत दिया ही। अगर हम लोग शुद्ध हमारी भाषा में बोले तो बेमत दिया जाएगा इसको, चलिए ठीक है, तो इनको लतिया दिया जाएगा ढंग से। सो I इक्वल्स टू कितना हो गया भैया, V बाय R। क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया, अच्छे से समझ में आया? ठीक, तो बहुत सिंपल सा गणित है। आप हमको तुरंत सा एक छोटू सा सवाल का बड़ू सा आंसर दे दीजिए, नहीं छोटू सवाल है तो आंसर भी छोटू होना चाहिए। इफ इन ए कंडक्टर, भैया बस वाला नहीं है, वायर वाला है, ध्यान रखना। इफ इन ए कंडक्टर द पोटेंशियल डिफरेंस, हंसी आ रही है क्यों भैया? पोटेंशियल अच्छा है ना, हंसते हंसते कुछ सीख लोगे, इसी में तो मजा है, वो कभी भूलोगे नहीं। इन ए कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, डबल कर दिया गया, एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, देन What happens to electric current? इस बार बचुआ इलेक्ट्रिक करंट को क्या हो जाएगा, बताइए तो जरा सब लोग दिमाग चलाइए, दिमाग चलाइए तो, और अपना ही दिमाग चलाना, पड़ोसी का नहीं, नहीं हाँ जी, आंसर आंसर आ रहा है कुछ? लीजिए एक मिनट का समय लीजिए, एक ठो मिनट लीजिए, एक ठो मिनट का समय लीजिए तो, फिर कीजिए तो। हो रहा है कुछ? हाफ्ट, अरे क्या बात है, छाए गुरु पर सही मायनों में नहीं छाए।
क्योंकि मेरे लाल यहां जब आप देखोगे तो ओहो सच अ बिजी डे। यहां देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है, आई बराबर वी बाय आर। इसने बोला कि टू टाइम्स वी कर दो और आर बाय टू कर दो तो आई क्या होगा, आई डैश। तो हम देखें आई डैश बराबर टू वी, ये टू ऊपर चल जाएगा बच्चे, ये तो फोर वी बाय आर हो गया और वी बाय आर तो आई है, सो आई डैश इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ आई, यानी कि ये तो चार गुना हो गया, बिकम्स फोर टाइम्स, बिकम्स फोर टाइम्स। अरे छोटे कहां देख लिए तुम कि हाफ होगा, कुछ भी तीसरी आंख तो नहीं खोल दी खुद की है कि उल्टा सीधा दिखने लग गया तुम्हें, नहीं I dash equals to four times of I, यानी कि चार गुना हो जा रहा है यार, it becomes four times now. क्या ये बात समझ गए? देखो सुनो, अरे यार इसने दो काम किए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी डबल किया है और रेजिस्टेंस को भी हाफ किया है, तो रेजिस्टेंस को हाफ किया है तो ये टू ऊपर नहीं चल जाएगा, टू ऑलरेडी है, टू टू जाए कितना होता है 77, कैलकुलेटर वगैरह निकाल के कर लो, इतना टफ कैलकुलेशन है तो। अरे टू टू जा कितना होता है, चार नहीं होता क्या, बुलाओ किसी केजी वाले को वो बता देगा टू टू जा फोर ना, सो फोर टाइम्स ऑफ वी बाय आर, और वी बाय आर क्या है आपका आई है, यहां से देख लो तो वी बाय आर की जगह मैं आई लिख सकता हूं यहां पे, तो फोर टाइम्स ऑफ आई है। और चक दे फट्टे नप दे गिल्ली, समझ में आ गया तो बोलो चलो दिल्ली, यस और नो, ये कुछ मैच ना हुआ, समझ में आया या नहीं, इज इट क्लियर, चले आगे। चलो उहुरी बाबा, ये तो एंड ऑफ स्लाइड हुआ, मतलब हमारा स्लाइड वे खत्म हो गया, कोनो बात नहीं, यहां हम नया बनाएंगे फिर करेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। एक और क्वेश्चन करोगे, एक और क्वेश्चन वहां करोगे, चलो छोड़ो पहले रेजिस्टेंस को देख लो। अबे जे का है को टिंग टिंग टिंग, हाँ जी, सो इलेक्ट्रिकल, अरे क्या हो रहा है चाचा, देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जितने लोग भी चैनल पे नए हो, गाना पता चल गया ना क्या, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा लाइक थोड़ा शेयर मार दो। चलो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो बंधु हमने क्या पढ़ा कि V बराबर आई आर है ना, एक बार फिर से क्या समझा है बताइए, तो R इक्वल्स टू V बाय आर, एक बार फिर से क्या पिछला वाला क्वेश्चन समझाएं है? बोलो, अरे बोलो जल्दी बोलो, पिछला वाला क्वेश्चन समझाना है तो यस बोलो, पिछला वाला क्वेश्चन समझाने को बोले तो यस बोलो। देखिए मुझे लग रहा है शायद आप पिछले वाले क्वेश्चन का ही कह रहे हैं, अगर नहीं हो तो बीच में रोक देना, मैं चालू तो कर देता हूं। देखो जनाब क्या है इसमें कि यहां पे ना वी सॉरी आपको दिया था कि आप जरा बताइए कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश दो गुना हो गया ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, और जो आर है आर डैश वो जनाब कितना हो गया, आर बाय टू हाफ हो गया, तो इसमें था अब आई कितना होगा, आई डैश क्या होगा, सो आई होता क्या है वी बाय आर, क्यों सही हूं मैं, तो ओरिजिनल वाला कितना था वी और ओरिजिनल वाला रेजिस्टेंस आर, अब क्या हुआ है आई डैश इज इक्वल टू वी डैश बाय आर डैश, तो बेटे वी डैश कितना हो गया टू वी बोला उसने, आर डैश की जगह क्या लिख दूं आर बाय टू, ये टू ऊपर चला गया ना, अरे इतनी गणित तो आती है, नहीं आती हो तो बुला के रुद्र सर की पिटाई करें, मतलब
पिटाई तो क्या करा है, समझ रहे हो? रुद्र सर की क्लास ले लें फिर। अरे इतना तो पता ही ऊपर चला गया यार, ये तो पढ़ाया उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। नहीं सो ये कितना हो गया, 4 times V/R। लेकिन बेटे V बाय आर इक्वेशन नंबर 1 से देखोगे कितना है I, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां पे जब आप देखोगे I डैश इक्वल्स टू 4 times of I, इट इज वेरी सिंपल। इज द लॉजिक क्लियर सब लोग? इज द लॉजिक क्लियर सब लोग? अच्छे से बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं बोलने का? ठीक है चलिए, तो ये अब आपका क्या हो गया, देयरफोर करंट बिकम्स 4 times, 4 गुना हो जाते हैं करंट, यानी कि इस बार इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गई आपकी, 4 गुना हो गई। बस ये बड़ा लंबा वाला हम भेजे आप युवराज, अब क्या बात है, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, ये गाना चाह रहे हो आप? चलो आज तो हम फुल मूड में है चाचा। अब देखो ये है हमारा, सही है। अब यहां पे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं जरा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम, इसको डिनोट करते हैं बाय द सिंबल ओम, ऐसे ऐसे बोलते हैं। वैसे मान लो ये हेडफोन है, ऐसा होता है ना ऐसे हेडफोन, हेडफोन ओम है, जैसे मान लो ऐसे, इसको याद कैसे करें है ना, इसको याद कैसे करें, ओम रेजिस्टेंस का सिंबल है ओम, ऐसा हेडफोन जैसा, ऐसे वो पिक्चर देखी कोई मिल गया जादू, जादू जादू जादू, ऐसे इमेजिन कर लो जादू ऐसे गाना लगा के सुन रहा है, ऐसे याद करने का तरीका है, इट्स वेरी सिंपल। नहीं सो ऐसे याद कर सकते हो आप कि रेजिस्टेंस का ऐसे ओम, सही ओम। सो 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, सही है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। So 1 ohm equals to 1 volt upon 1 ampere, ऐसे define करते हैं, सही है। या हम यूं बोलें कि अगर हम लोग, अगर हम लोग ohm को define करें is equal to volt upon में ampere, सही है, सही है। और resistance को अगर हम बोलें इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट आपका 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, आप समझ रहे हैं बात को, ये और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही है पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, सही है, पर यूनिट करंट जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सही बात है, सही बात है। क्वेश्चन कर लो फिर चलते हैं, कल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट, और फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज की क्लास में मजा आया या नहीं ये बताइए, सब कुछ अच्छे से याद हो गया या नहीं ये बताइए, सब कुछ अच्छे से समझ में आया या नहीं ये बताइए, बोलो। सो क्वेश्चन देखो, ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज ए 24 volts it an elect simple electric circuit has 24 volt of battery
एंड ए रेजिस्टर ऑफ 60 ohms. What will be the current? ठीक है, कितना करंट होगा? बोलो यार, करोगे जरा इसे? तो आपकी चैट ही देख रहा हूं मैं, यहां पे टैब पे चल रही है. बताइए सब लोग, करेंगे जरा इसे, इस क्वेश्चन को. कीजिए. हो गया? इज इट डन बच्चों? मेरे बच्चे हो गया क्या? आंसर बताओ, अगर हो गया है तो आंसर बताओ तुरंत प्रभाव से. आंसर बताओ. पॉइंट फोर. अच्छा ठीक है, देखो सॉल्यूशन 24 वोल्ट ना बैटरी, V बराबर 24 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 24 वोल्ट, रेजिस्टेंस बराबर 60 ओम. ठीक है, I कितना है? तो देखो यार, ये कितना हो गया? बहुत सिंपल है भाई. V बाय R, V कितना है? 24/60. चार से निपटा दो, दस, छह से, सॉरी, 4/10, यानी कि 0.4 एम्पियर. इसमें एकदम ताजा तरीन आंसर आपके सामने है. कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस? समझ में आया? ये दिमाग खुला, बोलो भैया अच्छे से, जोर से बोलो, समझ में आया? अरे सारे बोलो, समझ में आया? अरे आया जी भाई, आया, समझ में आया सब लोगों को? तो फिर इसी बात पे जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर हम जरूर कहेंगे कि आज की क्लास बहुत मजा आया. इसी तरीके से आप लोग आते रहिए, पढ़ते रहिए. अब यार फिक्र नहीं करेंगे, एक आ रहा है, 10 आ रहा है, 70 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, अब कोई टारगेट नहीं. अब जो हमारे पास आएंगे उनको ज्ञान का भंडार दिया जाएगा, और इसी तरीके से दिया जाएगा, हंसा हंसा के, लोट पोट करके आपको सिखाया जाएगा. मिलते हैं अगले सेशन में इसी समय कल. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. ध्यान रखिएगा.